मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं अचानक आपको बुलाना पड़ गया और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी कि इस तरह की बात होगी हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए और यही नहीं अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है सैतालीस सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई है तालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर पांच हजार वोट के कम फासले भारतीय जनता पार्टी जीती है और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी एक ट्रक पकड़ा गया दो ट्रक लेकर के भाग गए अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी ये बोट की चोरी जो नहीं कर रही थी तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली पकड़ी गई लाइव है अभी भी हम लाइव देख सकते हैं दो गाड़ियां क्यों भागी अगर कोई चोरी नहीं थी प्रशासन ने सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया इतनी फोर्स है अभी अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए और सोचिए मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है कहीं घर की सफाई हो रही है और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था जनता के अंदर नाराजगी थी ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है इसीलिए अगर हमने वोट दिया है अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी तभी बदलाव आएगा इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार सच्चे सिपाही हों सच्चे अधिकारी हो सच्चे पत्रकार हो कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हो और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए अब ईवीएम पकड़ी गई हैं बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में जिसका नंबर यूपी ट्वेंटी फाइव डी टी नाइन वन सिक्स सिक्स में तीन बक्से सील पकड़े गए जो सील बक्से थे एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा दो बक्से में मोहरे रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था करीबन पांच बैलेट पेपर पकड़े गए इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनव में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा एसडीएम को रोका एसडीएम घोरावल जनपद सोन में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए क्या सफाई देगी सरकार इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए